मैं सुषमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, राजश्री टंडन, ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से आज जिस लेक्चर के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ उसका टाइटल इस प्रकार से है, बीएड एससी 95 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, पेपर नेम है आपका साइको सोशल एंड फैमिली इशूज MR, और कोर्स के आउटकम्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जिसमें आज ब्लॉक 2 साइको सोशल इशूज के यूनिट 5 मिथ्स मिसकंसेप्शन एंड सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम मिथ्स मिसकंसेप्शन एंड सोशल प्रैक्टिसेस जिसकी चर्चा आज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन के कंटेक्स्ट में होगा कि कोई भी बौद्धिक अक्षम बच्चा जब होता है तो समाज में जो उसके लिए मिथ्स यानी भ्रांतियाँ, क्या क्या भ्रांतियाँ हैं जो व्याप्त हैं, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं? मिसकंसेप्शन मतलब कि किसी चीज़ को हम इस तरीके से देखते हैं कि उसको हम सही तरीके से आँक नहीं पाते हैं, या फिर हम उसको गलत तरीके से उसका आकलन करते हैं, तो इसे हमें भ्रांति भी कहते हैं कि इस तरीके के जो मिथ्स हैं वो व्याप्त हैं हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। तो मिसकंसेप्शन आर इनकरेक्ट आइडियाज़ हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशन। मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो अ कंडीशन विच इज़ वाइडली मिसअंडरस्टूड नॉट ओनली बाई मैन बट ऑल्सो अमंग दोज हु वर्क फॉर देयर वेलफेयर। एक स्थिति देखिए, मिसकंसेप्शन इज आर इनकरेक्ट आइडियाज़ हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडीशन, मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो अ कंडीशन विच इज वाइडली मिसअंडरस्टूड नॉट ओनली बाई द मैन हु बट ऑल्सो अमंग दोज हु वर्क फॉर देयर वेलफेयर। ये जो भ्रांतियाँ हैं वो एक गलत विचार होते हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में हम बना लेते हैं, जस्ट लाइक कि हम मेंटल रिटार्डेड और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनकी स्थिति के लिए हम भ्रांतियाँ पाले रहते हैं कि ये बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं और बहुत तरीके की चीज़ें हैं, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो सिर्फ सामान्य कहते हैं कि एक लेमैन की लेमैन ही नहीं इसको वो करता बल्कि उनके वेलफेयर जो उनके लिए उनके विकास के लिए जो कार्य करते हैं वो भी इस तरीके की भ्रांतियाँ अपने मन में रखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर everyone टू नो अबाउट everything स्पेशली इन द कंट्री लाइक एरियाज often पीपल गिव डिफरेंट explanation एंड conflicting advices विदाउट paying any attention टू illness और disability। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं, इसकी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी वो अपने विचार या गलत विचार कह सकते हैं, गलत धारणाएं जो हैं वो समाज में फैलाते रहते हैं या फिर लोगों को उसके बारे में समझाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ वन सच अबाउट विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव मिसकंसेप्शन, रॉन्ग आइडियाज एंड फॉल्स बिलीव्स। सम ऑफ दिस मिसकंसेप्शन आर हार्मलेस बट मेनी अ टाइम्स इट अफेक्ट्स द पर्सन एंड फैमिलीज। कि जो भी गलत धारणाएँ होती हैं वो या फिर कोई गलत बिलीव विश्वास अपने मन में बैठा लेते हैं तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि इस तरीके की भ्रांतियाँ जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं उस व्यक्ति के लिए जो कि दिव्यांग है या फिर उसकी फैमिलीज के लिए। तो मेजर्स टेकन बाई द पेरेंट्स इन मैनेजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दियर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वुड डिपेंड अपॉन आइडियाज दे होल्ड अबाउट द कंडीशन। कहने के तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को जो है अगर हम सही तरीके से नहीं जानते हैं उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है तो हमें उसको मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ कोऑपरेशन दे गेट फ्रॉम द प्रोफेशनल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ करेक्ट नॉलेज दे हैव अबाउट द कंडीशन। जिस मात्रा में हमें प्रोफेशनल्स हमें जानकारी देते हैं उसका उस व्यक्ति पर जो कि दिव्यांग है और उसकी फैमिलीज पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, बहुत ही मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि जिस तरीके से हम परसीव करते हैं किसी तथ्य को या किसी समस्या को तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस भी करते हैं।
तो इसलिए यहाँ एक प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो चाहे जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उसकी एक्चुअल स्थिति से उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिलीज को अवगत कराएं। एक्सपीरियंसेस शो दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट हैव क्लियर नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट कॉजेज मिसमैनेजमेंट, दे स्टिल फील इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ देयर कर्मा। बहुत सारे ऐसे अनुभव देखे गए हैं कि हमें उसके बारे में कोई भी क्लियर जानकारी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, और हम इसको, इसका कारण अपने कर्म को मानते हैं कि जिस घर में दिव्यांग बच्चा है हम कहते हैं कि ये उनके कर्म का फल है, और दे होल्ड मेनी मिसकंसेप्शन और हैव क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। द कंडीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ बीन मिसपरसीव्ड। और इसको कर्म का फल मान के हम क्या करते हैं कि उसको हम मिसपरसीव करते हैं, हम उसको जिस तरीके से देखना चाहिए उसे नहीं देखते हैं, उस बच्चे के लिए हमें जो काम करना चाहिए या उसको जो ट्रेनिंग दे सकते हैं जो जिससे उसके डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके, उसमें हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं या कमी करते हैं जिससे उस बच्चे का जीवन प्रभावित होता है। इसमें नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे कि फर्स्ट है द डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी सीन एज इन केस ऑफ अदर डिसेबिलिटीज कंडीशंस। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो होती है बौद्धिक अक्षमता, एक ऐसी अक्षमता है जो देखने से समझ में नहीं आती। इस दिव्यांगता के साथ जो सबसे बड़ा लॉस कह सकते हैं या एक इस दिव्यांगता का जो सबसे बड़ा वो है वो यही है कि हम देख के इसको परसीव नहीं कर सकते, जैसे कि अदर डिसेबिलिटीज़ में जैसे ब्लाइंडनेस हुआ या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड हुआ तो उनके कुछ सिम्टम्स देख के हम कह सकते हैं कि ये बच्चा डिसेबल्ड है, बट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको देख के नहीं कहा जा सकता है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं समटाइम्स। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस भी है और या फिर कह सकते हैं कि एक बेनिफिट भी है कि हम उन बच्चों को देख के ही नहीं परसीव कर सकते। हाँ, उनके बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं जिनके आधार पर जब हम उसे बातचीत करते हैं या कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। कन्फ्यूजन बिटवीन मेंटल इलनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इस सेकेंड पॉइंट में हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि मेंटल इलनेस क्या होता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कैसे, और दोनों को हम सेम कैसे परसीव करते हैं, और यहाँ हमारे लिए एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है। इनफैक्ट मेंटल इलनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर टोटली डिफरेंट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज कंडीशन वेयर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज बिलो एवरेज राइट फ्रॉम बर्थ एंड एडेप्टिव बिहेवियर एबिलिटीज आर इम्पेयर्ड। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है मेंटल इलनेस से टोटली डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है वो एक स्थिति है, एक कंडीशन है जो कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है बच्चे के जन्म से लेकर और उसके अनुकूलित व्यवहार में की योग्यता को वो क्षति पहुंचाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो स्थिति जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है कि वो आज है और कल ठीक हो जाएगी। इट इज़ परमानेंट कंडीशन बट दे कैन बी हेल्प टू ओवरकम देयर डिसेबिलिटी विद राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कमेंट्री सपोर्ट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है वो एक परमानेंट कंडीशन है जिसको कम करने में जो भी प्रशिक्षण उन बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कम्युनिटी के सपोर्ट से हम इसको ओवरकम करने में उसकी मदद कर सकते हैं, हम इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। अब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं कि मेंटल इलनेस मेंटल डिसेबिलिटी से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कैसे डिफरेंट है। मेंटल इलनेस इज ड्यू टू द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स विथ विच पीपल कैन नो लॉन्गर को। इट इज़ अ टेम्पररी कंडीशन एंड कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नॉट अ डिजीज आर देयरफॉर देयर इज नो ट्रीटमेंट आर क्योर। मेंटल इलनेस जो है मानसिक बीमारी या आप कह सकते हैं इसको, वो स्ट्रेस और किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है जो कि टेम्प्ररी होती है, वो कुछ समय के लिए हो सकती है, उसको हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है जिसको हम ट्रीटमेंट और से क्योर कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, बट इसको पूरी तरीके से हम ठीक
नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये दो डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, मेंटल इलनेस और मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में, कि वो एक परमानेंट कंडीशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये जो है ये टेम्पररी कंडीशन है। तो दोनों को हमें एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ ड्यू टू फेट आर कर्मा। एक भ्रांति ये भी है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भाग्य और कर्म का फल मानते हैं। ड्यू टू कर्मा हेल्प्स पेरेंट्स टू बी फ्री फ्रॉम फीलिंग ऑफ गिल्ट, बट हैविंग दिस विलेप एंड मेकिंग नो एफर्ट टू ट्रेन देयर चाइल्ड रादर लिविंग हिम आर हर टू फेट इज नॉट करेक्ट। पेरेंट्स मस्ट बी टोल्ड दैट वॉट एवर मे बी द कॉज, ट्रेनिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव। हम कई बार इस तरीके की जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें गिल्ट का सामना करने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारी किसी गलती की वजह से या हमारी किसी कमी की वजह से हमारे बच्चे को ये दिव्यांगता हो गई है। तो एक भ्रांति हमारा हमारे मन में लाई जाती हैं या फिर हम खुद भी लाते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल है, और ऐसा मान के हम क्या करते हैं कि हम उस बच्चे को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं बट उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वो नहीं करते, हम उसे उसे के कर्म और भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें उसके कारणों का पता लगा के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वो बच्चा इम्प्रूव हो सके। फोर्थ है, मेडिसिंस ओनली कैन क्योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये भी है कि क्या मेडिसिंस, कोई ऐसी मेडिसिन है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्योर कर सकती है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज नो मेडिसिन आर एनी मैजिक ड्रग कैन क्योर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट पेरेंट्स स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू बाई सम स्पूरियस मेडिसिन टू क्योर देयर चिल्ड्रन विद आईडी। भ्रांति ये भी है कि हम बच्चे को दवा से ठीक कर सकते हैं, और इस भ्रम के चक्कर में पड़ के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ, जो कि आप कह सकते हैं कि जो नकली दवाएं होती हैं, उनका उपयोग अपने बच्चों पे करते हैं, और इसका इफेक्ट ये होता है कि बच्चा ठीक होने के बजाय कई बार और ज़्यादा ग्रसित हो जाता है समस्याओं से। तो इस भ्रांति से भी हमें निजात पाने की आवश्यकता है कि मेडिसिंस क्योर कर सकती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को। फिफ्थ मिसकंसेप्शन है जो इस प्रकार से है कि मैरिज कैन क्योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हमारे समाज में बहुत से लोग ये समझते हैं कि शादी कर देने से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ठीक हो जाती हैं, बट मेनी पीपल थिंक दैट आफ्टर मैरिज ड्यू द पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विल बिकम अचीव एंड responsible or sexual satisfaction will cure him. This is not correct. It will make problem more complicated, as it is a known fact that persons with intellectual disability can not become totally independent. Therefore, it is not possible for them to look after the interest of their families. ये जो misconception है कि marriage can cure intellectual disabilities, तो यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि शादी बौद्धिक अक्षमता से निजात पाने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि शादी जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य होता है, उसमें हमें अपने साथी के, उसके साथ जो हमारी फैमिलीज डेवलप होती हैं उनके, उनको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बट मिसकंसेप्शन ये है कि शादी कर देने से वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, या फिर उसके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होने से उसकी जो समस्याएं हैं वो सही हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ये देखा गया है कि प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, उनको सपोर्ट की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है, और शादी उनका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि शादी कर देने से वो समस्या ठीक हो जाएगी, बल्कि हमें उनको इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है कि हम बच्चे को सेल्फ करने के लिए प्रेरित करें, सब कुछ ट्रेन करें, बट हमें फिर भी उनके देखभाल की, उनको
फॉलो अप करने की, उनको बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस ऐसी स्थिति में शादी कोई ऐसा उपाय नहीं है कि कर दें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है, पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बिकम नॉर्मल एज ही ग्रोज। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्सन्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल पर्सन्स वेयर नेचुरल इंक्रीज इन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल फैकल्टी डू नॉट डेवलप एट द सम पेस। इंटेंसिव ट्रेनिंग हाउ एवर कैन इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो सही हो जाएगा, बट क्रोनोलॉजिकल इज मतलब होता है कि बच्चे की आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो भी उसी गति से होगा। हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ते हैं कि वृद्धि एक समय तक होती है और उसके बाद वो जाके रुक जाती है, और विकास जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। सेम इसी तरीके से होता है कि बच्चे का एज तो बढ़ता जाता है बट एज के साथ उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी या कम हो जाएंगी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बट इंटेंसिव ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण है उससे उनकी कॉम्पिटेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन का है कि जितना जल्दी हम बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं और उसको प्रशिक्षण देते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हमें देखेंगे कि क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ इन्फेक्शस, सॉरी स्पेलिंग का मिस्टेक है। मेनी पीपल थिंक दैट इफ नॉर्मल पीपल आर अलाउड टू मिक्स अप विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड दे वुड आल्सो डेवलप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। दिस इज रॉन्ग। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं वो नॉर्मल व्यक्तियों के साथ, सामान्य व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, तो अगर उनके साथ मिक्सअप होते हैं तो वो इन्फेक्शन उन्हें भी हो सकते हैं या वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो सकते हैं। बट इंटरेक्शंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबल एंड नॉर्मल इंडिविजुअल वुड रादर हेल्प इन ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट एंड एट द सेम टाइम नॉर्मल वुड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्ट देम इन रियलिस्टिक वे। बट ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन होता है या ये इन्फेक्शंस वाले डिसेबिलिटीज है, बल्कि जब उनका इंटरेक्शन सामान्य व्यक्तियों के साथ होता है तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है क्योंकि वो उनके लिए को प्रॉब्लम्स को समझने में और उनको एक वास्तविक तरीके से उनको ट्रीट करने में उनको हेल्प करता है। जब हम अपने हमारे समाज के व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका इंट्रैक्शन उसके समाज में हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी टॉट एनीथिंग, दिस इज द क्वेश्चन मिसकंसेप्शन कि क्या जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं उन्हें कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। दे कैन बी टॉट बेसिक स्किल्स ऑफ डेली लाइफ डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल एबिलिटीज। दे कैन बी ट्रेंड टू डू रिपीटेटिव जॉब्स दैट टू अंडर सुपरविजन। ड्यू टू द मिसकंसेप्शन पीपल इन जनरल अंडरएस्टिमेट द कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इन टर्न हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेट देम। हेंस देयर इज अ नीड टू एलिमिनेट दिस मिसकंसेप्शन मेनली थ्रू अवेयरनेस कंपेनियन इन द सोसाइटी। जब हम ये बात करते हैं कि क्या हम जो बौद्धिक अक्षम से ग्रस्त व्यक्ति हैं उन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम उन्हें क्या क्या सिखा सकते हैं। दे कैन बी टॉट बेसिक स्किल्स ऑफ डेली लाइफ। बेसिक स्किल्स से तात्पर्य यह है कि हम बच्चे को सुबह से लेकर अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी मुख्य कार्य हैं जैसे कि उठना, फ्रेश होना, तैयार होना, जॉब पे जाना,
तो ये छोटे छोटे स्किल्स जो है हम बच्चे को ट्रेन करके प्रशिक्षण के द्वारा सिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल एबिलिटीज़। और ये भी उनके जो बौद्धिक और कार्यात्मक योग्यता है इस पर निर्भर करता है कि बच्चे के डिसेबिलिटीज़ का जो रेशियो वो कितना है, क्योंकि बच्चे के साइकोलॉजिकल टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, उसके आधार पर हम इन कार्यों को डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा कितने बेसिक स्किल्स को सीख सकता है या क्या क्या वो काम कर सकता है, उसके आधार पर हम उसका आकलन कर सकते हैं। दे कैन बी ट्रेन टू डू रिपेटेटिव जॉब्स दैट टू अंडर सुपरविजन। जॉब में हम उनको ऐसे जॉब के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं जिसमें रिपीटेटिव वर्क हो, वो भी अंडर सुपरविजन, किसी के सुपरविजन में वो बच्चे रिपीटेटिव वर्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बच्चे को हम इनवेलप बनाना, या फिर हम बच्चे को फोल्ड करना, या फिर हम बच्चे को कैंडल्स बनाना, या फिर सोप बनाना। तो इस तरीके के जो रिपीटेटिव वर्क्स होते हैं जिसमें एक तरीके के ही काम को बार बार करना होता है, तो ऐसा प्रशिक्षण अगर हम बच्चे को दे देते हैं तो बच्चे उसको एंजॉय करते हुए इस कार्य को करते हैं, और हम किसी के सुपरविज़न में उनको हम जॉब के लिए रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। और बहुत सारी भ्रांतियों के कारण हम ऐसा भी मानते हैं कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सनस हैं वो किसी कार्य करने में योग्य नहीं होते हैं, तो हम उनकी कैपेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं कम आंक कर भी उनके साथ एक बहुत बड़ा मिथ को साबित करते हैं कि ये बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम बच्चे को रिहैबिलिटेट करके, उन्हें प्रशिक्षण देके, उनको भी इस लायक हम बना सकते हैं कि वो हमारे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें और हमारे समाज में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें उनका भी कहीं ना कहीं योगदान हो, इसको हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये हम कंपेनियन के द्वारा और समाज में जागरूकता फैलाकर ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ मिथ्स हैं जो कि समाज में व्याप्त हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, और इन भ्रांतियों को जितना जल्दी हम समझ जाते हैं उतना जल्दी इन पर कार्य करके हम इनको ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ समाज में जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अवेयरनेस है, कि अवेयरनेस जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो जितना भी जानते हैं वो आसपास अपने समुदाय के लोगों को अपने सुझाव देकर इस चीज़ के लिए उन्हें प्रेरित करें कि वो इस चीज़ को समझें और इसमें उनकी मदद करने के लिए आगे आएँ। सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक जो प्रयास हैं वो किस तरीके के किए जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का एक मुख्य अंग होता है और समाज जिस तरीके से सोच या अपनी धारणा को रखता है उसका सीधा असर उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को रोकने में या उसको बढ़ाने के लिए जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं वो उसमें हेल्प कर रही हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स द एग्जिस्टिंग सोसाइटल सिस्टम्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक रिलीजन एंड कल्चर। मल्टीकल्चरल सोसाइटी दिस अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक जो भी हमारे प्रयास हैं जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके की हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को बढ़ाने में या रोकने में सहायक हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेट्स से इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स द एग्जिस्टिंग सोसाइटल सिस्टम्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक रिलीजन एंड कल्चर। मल्टीकल्चरल सोसाइटी दिस अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स सच एज लिटरेसी, पॉवर्टी एंड ओवर पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी फैमिली टू फॉलो सर्टन प्रैक्टिसेस particularly in case of families having persons with intellectual disability. Some of the existing social practices are as follows. हम जिस कंट्री में रहते हैं हम जानते हैं कि वो वहाँ पर धर्म और संस्कृति, यहाँ बहुत तरीके के मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे रहन सहन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और दिस अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स सच एज लिटरेसी, साक्षरता को, गरीबी को, वहाँ की जनसंख्या को इन्फ्लुएंस करने में कम्युनिटी का और वहाँ के जो प्रैक्टिसेस हैं, लोगों के जो सोच हैं, लोगों की जो धारणाएं हुए हैं
वो फैमिलीज को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो इस तरीके से फॉलो की जाती हैं। फर्स्ट है कंसंग्विनिटी, जिसका तात्पर्य है रक्त संबंध, या इसे हम फर्स्ट है कंसंग्विनिटी। सिंस एजेस इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज मैरिज बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स इज बीन प्रैक्टिस। दिस हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द अकरेंस ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। रक्त संबंध में या एक ही उसमें ब्लड में ग्रुप में शादी करना भी इस समस्या का एक कारण हो सकता है। जब हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि हम नज़दीकी जो भी हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं उनमें हम शादी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उससे जाना समझा एक परिवार मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका अगर ब्लड ग्रुप सेम होते हैं तो इस तरीके के चैलेंजेस उनके लाइफ में आ सकती हैं। सेकेंड है मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन देयर रिलीजन विदाउट एनी अदर एफर्ट्स अप्रोचिंग रिलीजियस प्लेसेस एंड फेथ हीलर्स फॉर क्योर ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस डिजीज इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल हैज़ बीन द कॉमन प्रैक्टिस। टू सर्टेन एक्सटेंट दिस प्रैक्टिस में डिले हैम्पर द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में हमारे हैं और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है अपने धर्म के प्रति। जब उनके पास इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो वो समस्या को ट्रीटमेंट ना करके या प्रशिक्षण न देके वो बाबाओं और साधुओं के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और वो उनको लगता है कि वो उन्हें ठीक कर सकते हैं या झाड़ फूँक करा के हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। बट ये ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसको कि बाबा या साधु के द्वारा ठीक किया जा सके, बल्कि इस कंडीशन में जाने के बाद हम बहुत सारा अपना जो टाइम है जो क्रूशियल होता है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं उसको वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो समय हमें उस बच्चे के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने में और बच्चे को समझने में बच्चे के लिए क्या प्लान हो सकते हैं कैसे बच्चे को ठीक किया जा सकता है उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ साथ उल्टे सीधे जो है प्रैक्टिसेस करने में लग जाते हैं। और जैसे कि हम उस बच्चे का समय डेवलपमेंट का और उस पेरेंट्स का पैसा और समय भी बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों में बर्बाद होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए इन व्यक्तियों के हमें इस धारणा से बाहर आना होगा कि इन बच्चों को झाड़ फूँक के द्वारा या किसी कर्मकांड के द्वारा हम ऐसे बच्चों को ठीक कर सकते हैं। तो इस सोच को हमें बदलना बहुत ही आवश्यक है। सर्टेन फैमिलीज इन आवर सोसाइटी हैव द बिलीफ दैट मैरिज क्योर्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इस टॉपिक के बारे में हमने पिछले उसमें भी इसकी भी चर्चा की है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की शादी कर देना, कि ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी हमारे समाज में व्याप्त हैं कि बच्चों की शादी कर दें ऐसे बच्चों की तो वो ठीक हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शादी करने से कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रेस और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सिंस द ओल्डर डेज द प्रैक्टिसेस ऑफ आइसोलेटिंग द पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड पुटिंग देम इज असाइलम्स इज अ नोन फैक्ट। However, institutionalization is gradually transformed into normalization and integration, though the segregation of these persons within the families still continues. Persons with intellectual disabilities are avoided in social functions and gatherings. This practice restricts the social growth of persons with intellectual disability. बहुत सारे ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस भी हम देख सकते हैं हमारे समाज में व्याप्त है कि हम ऐसे बच्चों को असाइलम में रख देते हैं, जिससे कि आइसोलेशन में इस तरह के भी प्रैक्टिसेस हम अपने समाज में देखते हैं कि बच्चों को हम ऐसे बच्चों को समाज से दूर कहीं इस किसी असाइलम में रख देते हैं और उनको सेग्रीगेट करते हैं समाज के मुख्यधारा से बिल्कुल अलग कर देते हैं और उनको हम सोशल फंक्शंस में या किसी भी सामाजिक कार्य में उनको सम्मिलित नहीं करते हैं। हमें लगता है कि इनको उसमें जाने की क्या आवश्यकता है या फिर ये उस वहाँ जाएंगे तो हमारे परिवार का कि मान सम्मान में कमी आएगी। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, जिससे बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो बाधित होता है और वो समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं दूर होते चले जाते हैं।
दो लेस कॉमन प्रैक्टिस ऑफ पनिशिंग हार्शली द पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टिल कंटिन्यूज इन द कम्युनिटी. दिस में लीड टू इमोशनल डिस्टर्बेंसेज एंड पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स अमंग देम. बहुत सारी ऐसे कॉमन प्रैक्टिस भी देखने को मिल जाती हैं पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ कि समुदाय में कि हम उनको बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं, बहुत कठोरता से उनको दंड देते हैं अगर वो कोई भी छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, या फिर हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, हमें उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, तो हम इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि हम उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने पर से भी नहीं चूकते हैं. तो इस तरीके से जो होता है बच्चे का जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बच्चा या जो भी व्यक्ति है वो इमोशनली और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स उनके में फिर देखी जाने लगती है. क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए अगर उसे बहुत ज़्यादा कठोरता से कोई दंड देते हैं तो वो चीज़ें ठीक होने के बजाय कहीं ना कहीं और ज़्यादा खराब होती चली जाती हैं. इसलिए हमें इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है कि जो समाज में इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं वो क्यों हैं, क्यों वो सिर्फ इस वजह से हैं कि हमने कभी इसे समझने का प्रयत्न ही नहीं किया. हमने जो भी सोचा, जो भी समझा उसे ही सच मान लिया, वो एक्चुअल में उसका फैक्ट क्या है इसको कभी जानने का प्रयास नहीं किया. और मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या मिथ्स हैं जिनको अगर हम अपने सोच परिवर्तित करें या उन्हें बदलने का प्रयास करें तो इन बच्चों के जीवन में हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं. थैंक यू.